हेलो गाइस, आज मैं सिर्फ ऑफ द एंड मांगा का चैप्टर 54 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत ना कर वीडियो को स्टार्ट करते। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में सभी लड़के बैठकर खाना खाने वाले होते, तभी इतने सारे खाने को देख के शौक हो जाता है। और एक खाने को देख के यू बोलते ये कैसा खाना है यार, तभी नानवी बोलते ये महंगा खाना है, सिर्फ अमीरों को नसीब में होता है। तभी यू नानवी को बोलता है कि इसका मतलब तुम अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो। तभी नानवी बोलता है हाँ, मैं अमीर फैमिली से बिलोंग करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह। तभी यू किमिज़ुकी पूछता है कि अमीर फैमिली क्या होता है यार। तभी किमिज़ुकी बोलते हैं वो फैमिली होता है जहाँ पर अच्छा खासा खाना मिलता है खाने को। तभी नानवी गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पर ये सब कॉमेडी चल रहा होता है। दूसरी तरफ मिसू और शिनवा नहाने जाते हैं, जहाँ पर उनको इतना बड़ा सा नहाने का प्लेस देख कर सभी लोग शौक हो जाते हैं। मतलब वही दोनों होते हैं बस वहाँ पर। अब शिनवा भी वहाँ पर जगह कॉमेडी करने लगती है और बोलती है कि किसका बड़ा है, आप लोग समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा इसका। और तभी श्रीनवा बोलती है कि असल में मुझे लगता है कि फ्रेंड ने ये सब कुछ पहले से प्लान किया होता है, नहीं तो इतना बड़ा मतलब प्लेस जहाँ पर खाना वाना बहुत ज़्यादा हो, मतलब ऐसा कैसे लग सकता है कि वो लोग हमारे लिए ही वेट कर रहे थे। ये सब कुछ लगता है कि फ्रेंड के प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। मिसू बोलता हाँ, ऐसा मतलब शॉकिंग है कि एक बंदा अभी जल रहा है अभी, और उसने अपने आप को जलने में रख दिया इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए। वाओ। अब दूसरी तरफ क्रोली बस ऐसे खून पी रहा होता है और उसके सामने मिकाइला होता है कि वो भी ऑब्वियसली वैम्पायर हो चुका है। तो क्रोली बोलता है कि तुम थोड़ा पीना चाहोगे। तभी मिकाइला बोलता है कि इसका ब्लड है। तभी क्रोली बोलते हैं वैसे मुझे लगता है किसी बच्चे का होगा, क्योंकि फ्रेंड हमेशा बच्चे की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। तभी मिकाइला मन में सोचता है कि मुझे पता नहीं मैं और कितने दिन तक ह्यूमन फीलिंग इमोशन को मतलब रख पाऊंगा अपने अंदर। अब सीन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और सीन गॉर्डन की तरफ चला जाता है, जहाँ पर गॉर्डन अपनी पूरी टीम को लेकर ओसाके की तरफ जा रहा होता है। और शिनवा गॉर्डन को पूछ रहा होता है कि आखिर गॉर्डन ने ऐसा सब कुछ क्यों किया, उस इतने लोगों को गॉर्डन ने मारा, फिर ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग उस समय क्यों जा रहे हैं। तभी गॉर्डन बोलते तुम बहुत ज़्यादा सवाल करते हो। तभी शिनवा बोलता है कि हाँ, और तुम्हें इन सभी सवालों का आंसर देना चाहिए क्योंकि हम दोनों बचपन से दोस्त थे। तभी गॉर्डन बोलता है कि अच्छा दोस्त है, तो फिर हम लोगों को छोटी से छोटी बात भी शेयर करना चाहिए। फिर तुम ये बताओ कि तुम लास्ट टॉयलेट में कब गए थे। शिनवा बोलते ये भी कोई पूछने का सवाल है। और ये सब बातें हो रहा होता है, तभी गॉर्डन की बैक स्टोरी में हमें दिखाया जाता है जहाँ गॉर्डन इन लोगों को रिवाइव करता है बाकी लोगों की जान की कीमत के बदले, लेकिन वो रिवाइव भी बस 10 सालों के लिए हो रहता है। तो अभी 9 ईयर ऑलरेडी हो चुका, मतलब 21 साल गॉर्डन के हाथ में है इन लोगों के साथ। और तभी शिनवा गॉर्डन की माइंड रीड करने की कोशिश करता है फेस को देख के, जहाँ पर शिनवा बोलते जैसे ही हम लोगों ने फैमिली वर्ड को यूज़ किया और 8 ईयर वर्ड को यूज़ किया, तभी गॉर्डन का रिएक्शन थोड़ा चेंज हो गया। तो फिर ऐसा हो सकता है कि 8 ईयर और फैमिली ऐसा कुछ जो तुम चाहते हो कि हमें ना पता चले। और तभी गॉर्डन अपने हाथ से शिनवा का मुंह बंद कर देता है। और शिनवा बोलता है ठीक है, मुझे पता चल गया कि हमें नहीं पता चलना चाहिए। वैसे क्या हो सकता है, क्या ये कोई कर्ज है। तभी गॉर्डन बोलता बस तुम लोग मत अपना दिमाग लगाओ इस बारे में। तो शिनवा गॉर्डन की तरफ देख कर बोलता मैं बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ गॉर्डन, क्या तुम अभी भी चूज़ नहीं कर पाए अपनी फैमिली और पूरी दुनिया के बीच में तुम्हें किसको चूज़ करना है। तभी गॉर्डन बोलता तुमने फिर से मेरा माइंड रीड करने की कोशिश की। हाँ। तभी शिनवा बोलता छोड़ो छोड़ो ये सब कुछ भूल जाओ। तभी पीछे बैठी और एक लड़की जो टीचर होती है वो बोलती है कि क्या ये सब में माहिर हो हीरा की कोई हाथ है। तभी शिनवा बोलता उसके बारे में छोड़ो, गॉर्डन ने बताया अभी इस बारे में बिल्कुल ना बात करने का। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में माहिरो गॉर्डन के गोदी के ऊपर बैठा हुआ रहता है, मतलब एक अचानक से एक अच्छा वाला सीन। गॉर्डन गाड़ी चला रहा होता है, आपस इस सीन को पेडिक कर सकते हैं यार, या फिर गूगल में जाकर इसका इमेज ढूंढ सकते हैं। माहिरो गॉर्डन की गोदी के ऊपर बैठा हुआ रहता है। तभी माहिरो गॉर्डन के कान में जाकर बोलती है कि तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है कॉमरेड से, तुम्हें शायद इन लोगों को सच बता देना चाहिए। तभी गॉर्डन बोलता है यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से मेरे सामने कुछ नहीं देख पा रहा। तभी शिनवा बोलता है तुमने कुछ बोला। तभी माहिर वहाँ से चली जाती है और जैसे माहिर ऊपर जाती है वो देखती है शिनवा की जो डीमन रहती है जो कर्स वो टाइगर, वो माहिरों को देखता है और बोलता है तुम कौन हो, तुम कोई डीमन नहीं हो, तुम अलग का कुछ चीज़ हो। तभी माहिर बोलते ये जान के तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या कुछ करोगे। तभी वो टाइगर बोलते जब तक तुम शिनवा का नुकसान नहीं पहुँचाते तब तक मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा। तभी माहिर बोलते तो फिर एक अच्छे टाइगर की तरह चुपचाप बैठे रहोगे, अगर शिनवा को ज़्यादा कुछ बोला तो शिनवा को मैं मार दूंगा। तभी गॉर्डन बोलते चले जाओ माहिरों, और तभी माहिर सामने चले जाती है और शिनवा बोलते तभी तुमने कुछ कहा गॉर्डन। तभी गॉर्डन बोलते हम पहुँच गए और ओसाका में वो लोग होते। तभी माहिरों की तरफ दिखाया जाता है, माहिर बोलते फाइनली मुझे शिनवा का शेंट आ रहा है यार, ये वो आसपास ही होगी। और एक ब्लडी वैम्पायर का भी और दिखाया जाता है, माहिर बिल्कुल फेस टू फेस खड़ी रहती है फिफ्थ पावरफुल वैम्पायर का, फिफ्थ नॉवल वाला, जहाँ पर असल में फेरेट और
क्रूल जल रही होती है। और माही रो फेरेट और क्रूल की तरफ देखकर भी बोलती है कि अच्छा कितना जल रहा है ये लोग। और तभी फेरेट का आंख में दिखाया जाता है जहाँ पर साग घूमता है और गॉर्डन का नाम लेता है। और इधर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक को नहीं आ पाएगा यार, क्योंकि आस्तिक वर्ग का आने वाला, तो आस्तिक वर्ग का नेक्स्ट पार्ट आने के बाद आएगा। फिर मिलता है अगले किस्म में। दिल ने भाई सिया।